आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अल्फाजों के साथ अगर एहसास भी पाठक और दर्शक के पास पहुंच जाए तो समझिए मीडिया में उर्दू लोकप्रिय हो रही है और मीडिया उर्दू के जरिए लोकप्रिय हो रहा है। यह बात दखल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय ने मीडिया की लोकप्रियता में उर्दू की भूमिका विषय पर आयोजित मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के सेमिनार में कही। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध पत्रकारों ने अपनी बात सबसे साझा की और अपनी गजलें और नज़में सुनाई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने स्वराज भवन में सिलसिला के अंतर्गत मीडिया की लोकप्रियता में उर्दू की भूमिका विषय पर सेमिनार एवं शौर्य नशिस्त का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता अशफाक महशदी ने की और मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार दखल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय उपस्थित थे। अनुराग उपाध्याय ने कहा कि हम एहसास लिखते हैं और आप अल्फाज पढ़ते हो। अल्फाजों के साथ अगर एहसास भी पाठक और दर्शक के पास पहुंच जाए तो समझिए मीडिया में उर्दू लोकप्रिय हो रही है और मीडिया उर्दू के जरिए लोकप्रिय हो रहा है। इस मौके पर इनाम उल्लाह खां लोधी, अलीम बज़मी, मुशाहिद साइद खां, आरिफ मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम खान, खालिद हाफिज़, अल्तमश जलाल, फराज फयाज खान एवं अन्य पत्रकारों ने अपने विचार रखे। उससे मुझे याद आता है, मैंने एक खबर सबमिट की हमीदिया कॉलेज में छात्रों का उत्पात, और जगत पाठक साहब बोले कि आरिफिया ये उत्पात की जगह कोई और लफ्ज याद आता है आपको जहन में आता है? मैंने कहा साहब मुझे तो नहीं आता, और ये उत्पात हुआ था, काफी गदर हो रहा था वहां पे। बोले बस गदर, आप गदर लिखिए ना। तो मैंने कहा साहब वो बोले नहीं, लोकल टच देना है आप लोग को, अखबार अपन निकाल रहे हैं तो लोकल जुबान का भी इसमें टच होना चाहिए। 22 साल पहले तक मुझे एक भ्रम था कि उर्दू जो है मुस्लिम केवल मुसलमानों की जबान है, लेकिन एक रपट इनकी पढ़ी थी 22 साल पहले, वो किसी एलीट क्लास की पार्टी की रपट थी, बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया था उसको, और उसमें हिंदी उर्दू दोनों का ऐसा तालमेल था कि मुझे लगा नहीं मैं गलत हूँ, अनुराग उपाध्याय सही है। तो मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू और हिंदी कभी अलग नहीं हो सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लल्लू लाल ने उर्दू से हिंदी को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन अपने नाम से भी वो लाल नहीं हटा पाए। ए वतन, हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में। ये शेर इसलिए लिखे हैं मैंने कि जो हमारे अजदाद ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां और जो खिदमात पेश की हैं, आज कहीं ना कहीं उनको इतिहास से मिटाने और ख़त्म करने की कोशिश जो की जा रही है उनके लिए मैंने ये शेर किए हैं कि ए वतन, हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में और हमसे ही रोशन है तेरा नाम बयाबानों में। ऐ वतन, हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में और हमसे ही रोशन है तेरा नाम बयाबानों में। हम तुझे गैर के हाथों में न जाने देंगे, हम तुझे गैर के हाथों में न जाने देंगे, होश बाकी है तेरे हुस्न के दीवानों में, और हमको दरकार है साखी तेरी नजरों की शराब, हमको दरकार है साखी तेरी नजरों की शराब, हम वो महकश है जो पीते नहीं पैमानों में। ये दुआ करता है यूसुफ, खुदाया हरदम जज्बाए इश्क सलामत रहे अरमानों में। सेमिनार के बाद नशस्त में सलीम तन्हा, राजेश चंचल, पंकज शुक्ला, शाहिद कामिल और मोहम्मद यूसुफ खान ने अपने कलाम पेश किए। इस अवसर पर उर्दू अकादमी के सचिव नुसरत मेहंदी ने अकादमी द्वारा किए जा रहे प्रोग्रामों की जानकारी दी और अपने विचार रखे। देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग का एक उद्देश्य है कि जितनी भी भाषाओं और सके साहित्य हैं उन पर जो नई नस्ल का की क्या विचारधारा है, वो किस तरह सोच रहे हैं, उस पर प्रोग्राम।
एक तुलनात्मक अध्ययन जो कंपैरेटिव स्टडी होती है मुख्तलिफ़ ज़बानों की, मुख्तलिफ़ अदब की, उस पे भी हम लोग प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। ये प्रोग्राम हमारे दो तरह से है, एक तो तलाश जौहर जिसमें हम नई प्रतिभाओं की तलाश करते हैं। तो उर्दू अदब में चाहे वो शायरी हो, चाहे वो नसर हो यानी प्रोज़ गद्य, या फिर सहाफ़त हो या पत्रकारिता, तो ये भी हमारे उर्दू ज़बान व अदब के महत्वपूर्ण बहुत अहम असनाफ हैं, बहुत अहम विधाएं हैं। तो सारी विधाओं में करते हुए अब हम पत्रकारिता पर आए हैं। ये हमारा दो तरह से हो रहा है, एक तो नई प्रतिभाएं भी इसमें शामिल हैं, नए लोग, नए जूनियर जर्नलिस्ट, और फिर उन्हीं के साथ हमने बहुत सीनियर जर्नलिस्ट को भी यहाँ पर बुलाया है। और टॉपिक ये रखा है क्योंकि उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम है कि उर्दू का क्या किरदार है मीडिया की पॉपुलैरिटी में, उसकी जो लोकप्रियता है, उसकी जो ये है शोहरत है, उसमें उर्दू का क्या किरदार रहा है, इस पर बातचीत हो रही है। इस कार्यक्रम का संचालन बद्र वास्ती कर रहे थे, उन्होंने उर्दू के महत्व को रेखांकित किया। सभी वक्ता पत्रकारों ने कहा कि उर्दू के प्रयोग से मीडिया में चार चांद लग जाते हैं। सभी ने उर्दू की बेहतरी के लिए सुझाव भी दिए। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन मुमताज खान ने किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।